मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, 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 मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु। लोगों प्रार्थना भी करनी तो कैसे करनी, क्योंकि अभी तक हम काल के समान, काल की पूजा करते करते काल के समान में फंस गए। तो कहते नहीं, मुझको किसी काल के समान का दास गुलाम सेवक मत बनाना, अपने चरणों का दास बना चाहिए। यहां से ये पैर छूने का मतलब क्यों है कि जैसे तुम झुके तो सारा अपागमन खत्म, ये रास्ता है, यहां से झुकना शुरू किया जाता। अब ये नहीं मालूम था कि हम झुक कहां रहे हैं, हम चेतन को पाने के लिए झुक रहे हैं कि जड़ में फंसने के लिए झुक रहे हैं। तो कहा कि सीधा रास्ता है कि उस समर्थ सदगुरु के की प्रार्थना करो कि अब केवल चरणों में फंसा दो। बहुत फंस के देख लिया काल के सामान में कुछ नहीं मिला, और सबको सबका ध्यान करके सबको पूजा सम्मान करके सब देख लिया, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली और जीवात्मा का काम कहीं से शुरू नहीं हुआ। तो क्या कह रहे हैं समझा कि मुझे निज करके अपना, ऐ समरथ स्वामी सतगुरु अपना बना के और अपना समझकर अब अपना दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, वचन सुना के जगा दो गुरु, वचन सुना के जगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आप कितने युग निकल गए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हम सब सोते ही रहे, भोगों की गफलत नींद में सोते रहे। अब ऐसा करो कि आप दया कर आप कृपा करके वो वचन सुनाओ जिन वचनों से हम यहाँ बच जाएं और अपने घर की तरफ चल पड़े, ऐसी दया कर दो, मुझे वचन सुना के जगा दो। कोई सामान देके नहीं, सामान देके तो फंस जाएंगे, लेकिन वचन सुना करके अब हमको जगा दीजिए। बहुत युग बीत गए सोते सोते, किसी ने जगाने की बात कही नहीं, किसी ने जगाया नहीं, जो भी आए सब सुलाते ही थे भोगों की बिगाड़ निद्रा में। आगे क्या कह रहे कि मेहर हो मन लगे चरण में, मेहर हो लगे चरण में, मेहर हो मन लगे चरण में, मेहर हो मन लगे चरण में, मेरे पूरन भाग बढ़ा दो गुरु, मेरे पूरन भाग बढ़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते ऐसी मेहर कृपा हो जाए कि ये मन आपके चरणों में लग जाए, अब उधर से जड़ से हटके चेतन में लग जाए, क्योंकि ये चरण चेतन है, चेतन देश से आए हैं और चेतन देश में हम सब को ले जाने के लिए
का ऐसी कृपा दिया हो जाए कि अब अपने मतलब यानी मन को चेड़ों में लगा लीजिए, बहुत ही सामान में लग के देख लिया कुछ नहीं मिला, जहां जहां लगा वहां वहां लूटा गया, सब ने लूटा, इतना लूटा है कि कुछ नहीं रखा। कहते मेरे पूरन भाग बढ़ा दो, अब हमारे वो भाग बना दीजिए जिससे मैं अपने घर को चला जाऊं, घर की तैयारी में लग जाऊं, आप पर आपके बच्चों पर विश्वास हो जाए, आपकी दी हुई नाम की जुती उसकी कमाई में लग जाऊं। आगे क्या कहने समझा कि दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, मोए मुझे प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मोए प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब हमारे हृदय में ऐसी दृढ़ मजबूत प्रीति पैदा कर दो कि आपके सिवा मैं किसी को देखू ना, किसी की सुनू ना, किसी के तरफ जाऊं ना, कोई किसी का चिंतन अब अंदर से न करूं। ऐसी दृढ़ मजबूत प्रीति अपने में लगा दो, कितनी बड़ी देखिए। और अब ऐसा करो मुझे प्रेम का प्याला पिला दीजिए, जिससे ये जड़ भोगों में जो प्रेम कर रहा था और जड़ शरीरों से प्रेम हो रहा था और जड़ सामानों से, इससे हट जाए, ऐसा प्रेम का अपने अभी प्याला पिला दीजिए तो ये जहर निकल जाए। जब प्रेम का प्याला पियेंगे तो ये भोगों का जहर धीरे धीरे निकलेगा, ये जहर ऐसे कम होने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहे कि रूप अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा, मोए अंतर दर्स करा दो गुरु, मोए अंतर दर्स करा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आज तक जितने रूप देखे हैं वो सब जड़ थे, चेतन समझकर देखा का उन रूपों से हटाकर अपने में जो अंदर आपका रूप है चेतन रूप उसको दिखा दीजिए, जब वो मिल जाएगा उसको पकड़ लूंगा तो ये सब अपने आप छूट चले जाएंगे। देखो ये सब किस लिए बताया जा रहा कि हम सब इसी स्थिति में बैठे हैं, हम सब इन्हीं में फंसे, अज्ञानता बस भूल भ्रम बस मालूम कुछ है नहीं, इन्हीं को अपना समझकर अपना सामान समझकर तो पकड़ के बैठे हुए। आगे क्या कह रहे हैं कि अवघट घाट अगम का हारा, अवघट घाट अगम का धारा, मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु, मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। काहे इंद्रियों के घाटों पर मन बढ़ता रहा, असली घाट उसको तो हमने देखा नहीं, उसको तो हम जानते नहीं है। अब वो अवघट घाट आप दिखा दीजिए और उसी घाट पर पहुंचा दीजिए ताकि हम अपने घाट से अपने घर की तरफ चले और मेरा वज्र कपाट खुला था। कपाट माने किवाड़े, वज्र माने मजबूत, इतने भूल भरम के ये मजबूत किवाड़े लगे हुए हैं इनको खुला दीजिए,
ये खोल दीजिए ताकि हम इस जड़ता की ममता से अलग हो जाएं और असलियत जो असली चीज है उसकी तरफ चल पड़े। आगे क्या कह रहे हैं कि बार बार विनती है मेरी, बार बार विनती है मेरी, बार बार ये विनती मेरी, बार बार विनती मेरी, साथ में सूरत मिला दो गुरु, सूरती मिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं बार बार केवल यही विनय प्रार्थना और कोई विनय नहीं, कोई चीज पाने की लेने की यानी रखने की अब कोई इच्छा नहीं, ये इच्छा हटा दीजिए। यही विनती कर रहा हूँ कि मतलब यानी किसी तरह से हमें शब्द में सूरत को मिला दे। अब ये जो मिला है इससे मिलना नहीं, इससे तो समझ लिया है, ये मिलना नहीं था बल्कि फंसना था। अब हमारी सूरत जीवात्मा रूह को शब्द से मिला दीजिए, जो उधर से आवाज आ रही, जो उसको अपने घर बुलाने की आवाज दे रहा। इसी को हिंदू महात्माओं ने आकाशवाणी ब्रह्मवाणी अनैतवाणी ईश्वरवाणी कहा, जो ऊपर से आ रही। मुसलमान फकीरों ने इसको कलमायत कह दिया, भाषा का झगड़ा बाकी ठीक बात एक ही है। कहा वो सुना दीजिए जो ये सुनती थी और सुन करके आई थी और वही चीज हट गई है, तभी यहाँ बैठी फंस गई है, अब वही सुना दीजिए। तो ये सूरत को आप शब्द से मिला दीजिए। अब बहुत मिलके काल के सामानों से मन को मिला के भोगों में लगाकर ये सब देख लिया है, कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा आप करिए हमारी जीवात्मा सूरत को शब्द से मिला दीजिए। तो शब्द कहीं आपको खोजना नहीं है, वो ऊपर से आ रहा, लेकिन हमारी स्थिति में बदल गई कि इधर के कान खुले तो देर की आवाज सुने, आंख खुली इधर सब देख रहे हैं और जो देख रहे हैं सुन रहे, इसी को सच्चा और अच्छा अपना मान बैठे। क्योंकि जीवात्मा की आंख बंद है, कान भी बंद है, नाक भी बंद है। जब उसका उधर बंद ही सब है और उधर से जो चीज आ रही, जब कान बंद तो सुनाई नहीं दे रहा, आंख बंद तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसी को अपना मान बैठे। जो शरीर की दो आंखों से दो कानों से सुनते, इसी को तो हमने सब कुछ मान लिया। बस ये भूल भरम है, यही वज्र कपाट है इतने मजबूत के बारे उसने लगा दिए हैं कि जब तक ये खुलेंगे नहीं तब तक उधर सच्चाई का रास्ता भी नहीं दिखाई देगा और सच्चे रास्ते पर हम चल भी नहीं पाएंगे। आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि पूरन दया करो मेरे दाता, 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 अब काल के जाल छुड़ा दो गुरु, अब काल के जाल छुड़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते अब पूरी दया करो, थोड़ी बहुत से काम नहीं बनेगा, अधूरी नहीं पूरी दया आप कर दीजिए। आप समर्थ मालिक हैं, आपके पास दया का भंडार है, आप ऐसी पूरी दया कर दो कि हम पूरी तरह से उधर से मन को हटा के इधर लगा लें। क्या कह रहे बार बार, और काल से मेरा छुटकारा करा दीजिए, जो उसने कर्मों के जाल में बांधा है और ऐसी बड़ी बड़ी गांठें उसने लगा रखी हैं कि मतलब यानी उनसे छूटना बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कहें कि नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया
पड़ी भवर बिच मेरी, मैया पड़ी भवर बिच मेरी, अब की बार लगा दो गुरु, अब की बार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का द्वार बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। काहे नहीं है तो भवसागर में पड़ी और फंसी पड़ी, केवल पड़ी नहीं फंसी पड़ी। कहते अब ऐसी कृपा कर दो कि अब की बार पार लगा दो, क्योंकि आप पार लगाने वाले हैं, आप सच केवट मल्ला हैं, जानकार भवसागर के। इतनी दया कृपा कर दीजिए कि हमारी ये भवसागर में फंसी नहीं आ, अब की बात निकल जाए। बहुत समय हो गया, समझी मैं नहीं पाए कि फंसी है कि क्या है, कुछ जानकारी नहीं थी। आपने सत्संग सुना करके कम से कम जानकारी तो दे दी है। अब ऐसा करो कि इसको पार लगा दीजिए कि भवसागर की धार कठिन है, 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 इससे पार लगा दो गुरु, इससे पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं भवसागर की धारा बड़ी कठिन है और उसे निकलना अपने बस की बात युक्ति नहीं है। आप निकलने वाले हो, निकालने के लिए आए हो, ये भी सत्संग में आपने बताया कि बहुत सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। आप अपना वादा निभाइए, जो वचन वादे आपने किए हैं उनको आप पूरा कर दीजिए। अब वचन वादा पूरा करेगा वो जो मौजूद होगा। यहाँ तो लोगों ने प्रचार कर दिया कि वो मर गए चले गए, तो फिर ये भवसागर की धार से निकालेगा को? यहाँ तो किसी के पास ऐसी शक्ति समर्थ नहीं है कि भवसागर से निकलाओ और फंसे वालों को निकाल ली। तो कहते ऐसे तो उनके वचन झूठे हो जाएंगे, फिर यह सब झूठे ही कहा जा रहा। अगर लो जो स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये कह दिया कि नहीं नहीं चले गए और वो शरीर में कभी नहीं आएंगे, तो बताओ इन जीवात्मों से जो वादा किया ये कौन पूरा करेगा? इसीलिए उन्होंने तीन वादे किए। समर्थ मालिक ने आज हम सब कलयुग के जीवों को इसी भवसागर से निकालने के लिए तीन वादे किए कि पहले तो अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये मेरा एक ही काम है, यहाँ रात पार धन दौलत दिलाने मिलाने का मेरा काम नहीं है। देखो कितना पूछे, परिचय मिलने के बाद भी हम संगम में चले कैसे गए? क्योंकि वचनों पर विश्वास नहीं किया, मालिक पर विश्वास नहीं किया। यही सच्चे केवट है, यही सच्चे मल्ला है, यही खेवटिया है, इस बात को समझी नहीं पाए हम सब लोग। और दूसरा कहा तो नहीं, नाव लगाई गुरु ने इस भवसागर शो को पार करने के लिए, समरस सदगुरु दाता ने नाम की नौका लगा दी, कहा तुम विश्वास के साथ बैठ जाओ मैं तुमको घर पहुंचा दूंगा। तीसरा वादा क्या किया? क्योंकि त्रिवाचक को सही माना जाता है। देखो समर्थ वाली भी त्रिवाचक की बात कह रहे हैं कि चलो भाई त्रिवाचक को तुमने माना है कि तीन बार अगर कोई कह दे तो वो जरूर काम करेगा, तो तुमने तो अभी विश्वास हटा दिया। तो तीसरा त्रिवाचक क्या किया, तीसरा वादा क्या किया कि भव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले, कहते तुरंत उतारू पार, केवल तू मान ले विश्वास कर ले मैं तुझे उपार कर दूंगा। अब हमें आपको कोई प्रयास भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना है, केवल उनके वचनों पर और उन पर उनकी नाम की युक्ति पर विश्वास करना है।
आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत बीते, 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 दर्शन देके प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन देके प्यास बुझा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। इतने करोड़ों जन्म निकल गए, एक नहीं करोड़ों जन्म, जितनी बार यहाँ जिन शरीरों में जन्म मिला, कहते तो दुखी मिलता ना, क्योंकि जन्म मरण है, और कहते दुख का सागर है जब ये, जब दुख का सागर यहाँ सुख कैसे मिलेगा, कहते बहुत समय निकल गया, कितने जन्म गमा दिए, लेकिन दुख के सिवा सुख और शांति नहीं मिली यहाँ। अब ऐसा किए आप कि आप कृपा करके मतलब यानी दर्शन दे दो, अंदर में दर्शन मिल जाएगा, ये नकली दर्शन, ये बाहर वाले जो रूप स्वरूपों का करते हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा, अपना वह श्री चेतन रूप दिखा दीजिए, और अब दर्शनों की प्यास ही खत्म हो जाए। इससे अब सब कुछ मिल गया, फिर इसके बाद क्या शेष रह जाता, जैसे जब लड़की को पति मिल जाता तो सबकी प्यास की इच्छा खत्म हो जाती, सबकी तरफ से लगाव हट जाता बिल्कुल। इसी तरह से जब जीवात्मा को अपना सच्चा पिया प्रीतम सद्गुरु मिल जाएगा, तो ये सारी प्यास जो मन इधर बढ़ाए पड़ा सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण 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 चरण में शरण पड़ा हूँ, चरण शरण में शरण पड़ा हूँ, चरण शरण की शरण पड़ा हूँ, चरण शरण की शरण पड़ा हूँ, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते तुम्हारे चरणों की शरण में पड़ा, जो काल में भोगों की शरण में पड़ा था वहां से हटा दीजिए, अब आपकी चरण शरण में आया हूं, ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, अब मुझे वो शब्द का भेद बता दीजिए, वो कौन सा शब्द है, कौन सी आवाज है जिसको सुनकर जीवात्मा जगेगी, अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगी, आप वो कृपा करके उस शब्द का भेद बता दीजिए, और उसका राज रहस्य क्या है, वो कैसे मिलेगा, किधर से आ रहा, तो हमारी जीवात्मा का जब तक दिव्य कान नहीं खुलेगा तो हम सुनेंगे कैसे, और दिमाग नहीं खुलेगी तो वो सब दृश्य कैसे देखे, कैसे विश्वास होगा कि देखे बिन हो पड़ती थी, बिन पड़ती तो हो नहीं पड़ती, बगैर देखे तो किसी से प्रेम यहाँ भी नहीं होता, जब देख लेते हो कहते हाँ बस ठीक है ठीक है, बगैर देखे तो प्रेम किसी से होता ही नहीं। अब ऐसा कह दीजिए कि अपने चेतन स्वरूप को दिखा दीजिए और उससे प्रेम हो जाए तो ये सब नकली और प्रेम इधर खत्म हो जाए और असली को हम सब पकड़ के चल पड़े। आगे क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह से, 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 मेरी जल्दी फांसी कटा दो गुरु, मेरी जल्दी फांसी कटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो।
गुरु, जिनमें फंसा हूँ अपना समझकर, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, यही फंसाने का सामान है, ये काल का सामान। और दयाल का क्या है? सील, क्षमा, संतोष, बिरह, विवेक, ये काट है, काल के सामान की काट है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की काट है सील, क्षमा, संतोष, बिरह और विवेक, कहते ये काट है। तो इससे छुटकारा दिला दीजिए और अपने काट, जो आपकी काट है, उसमें लगा दीजिए आप। कहते ये जल्दी मेरी फांस, इनसे छुटकारा दिला दो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, और अपना सील, क्षमा, संतोष, बिरह, विवेक, ये आप अंदर में पैदा कर दीजिए। क्योंकि बस की बात तो नहीं है, आपकी दया के बगैर ना हम इससे छुटकारा पाएंगे ना उधर हम पा सकेंगे। ये दोनों काम, हटाना और मिलाना, ये दोनों काम आपके बस के आप कर सकते हैं। आगे क्या है कि माया काल ने अति भर माया, 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 इनका जाल मिटा दो गुरु, इनका जाल मिटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। तेरे काल माया ने अति भर माया, भ्रमित करने के लिए, फंसाने के लिए उसने तो बहुत ही जाल बनाया। अब आप दया कृपा करके इस जाल से मैं छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई छुटकारा दिलाने वाला है नहीं, किसी ने छुटकारा पाया नहीं, किसी में फंसे रहे। आगे क्या है कि विषय भोग जग के दुखदाई, विषय भोग जग के दुखदाई, विषय भोग जग के दुखदाई, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आपकी अखंड वाणी, गुरबाणी, आपके सत्संग वचनों को सुनकर अब यह समझ में आया है कि जिन भोगों में मैं अपना समझ के फंसा था, वो फंसाने नहीं थे, वो मेरे निकालने वाले नहीं थे, मुझे छुटकारा दिलाने वाले नहीं थे, मेरी सारी शारीरिक शक्ति को हरास करने वाले थे। अब ऐसा कीजिए, इनसे मन को हटा दीजिए, हमारे मन को इनसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं हटा नहीं सकता, मैं तो इसमें शराब हो रहा, इसी को अपना सब कुछ मानकर किसी में लग गया। आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच गिर तीन बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरी, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, मेरे घट से जोर घटा दो गुरु, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ये पांच इंद्रियां और तीन गुरु का इसी में तो फंसा, इनसे भी छुटकारा दिला दीजिए। और ये असली बैरी है, जिनको हमने अपना माना, अपना सब कुछ मानकर इन्हीं में फंस के रह गए, ये तो बैरी थे, दुश्मन थे, लेकिन अज्ञानता बस हम इन्हीं को अपना मित्र मान बैठे और फंस गए। अब ऐसी दया कृपा करो, मेरे घट माने अंदर से इनका सारा जोर ही हटा दीजिए। आगे क्या कह रहे
कि मन रसिया को चाट विषय की, 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 इस साध की जाट जटा दो गुरु, इस साध की जाट जटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। देखो अंदर की एक एक खोट और कमी को कैसे कहा जा रहा कि ये सब कमियां हमारे आप में, कि वही मन विषयों का रसिया हमारा आपका भी तो है, इसी का पान करने वाला। कहते किस तरह से तुम समझाओगे, क्योंकि हमें समझा तो मालूम नहीं, क्योंकि समझाया उसको जा जिस पर जोर हो, ये मन खुद ही घसीटे लिए घूम रहा है, सब जगह तुमको ले गया और सारी शक्ति को एकदम कपड़े की तरह निचोड़ दिया, अब कुछ नहीं बचा शेष। तो क्या कह रहे हैं, ये मन रसिया इसको भोगों की चाट लग गई, वो विषय रस है, अब आप कृपा करके अमृत रस, नाम रस, शब्द रस, जो जीवात्मा का श्री खुराक भोजन है, आप उसको चाट लगा दीजिए, उसकी तरफ लगा दीजिए। आगे क्या कह रहे, कि जन जनम जनम दुख पावत बीते, जनम जनम दुख पावत बीते, मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। का कर्मानुसार जिन जहां जहां जन्म हुआ, जिन जिन शरीरों में दुख के सब कुछ मिला है, अब ये समझ में आया कि ये दुख का सागर है, ये दुख का देश है, ये सारी व्यवस्था दुख पाने की है, ये सुख पाने की शांति पाने की नहीं है। अब ऐसा करें आप इस आवागमन से अलग कर दीजिए, ये जो भोगों, ये इंद्रियों के भोगों कर कर के जो इन शरीरों में आना जाना हो रहा है जन्म मरण, इसका छुटकारा दिला दीजिए, ना यहाँ कभी आऊं और ना कभी परेशानी हो बसू। तो ऐसा कर दीजिए, ये आवागमन ही खत्म कर दीजिए, क्यों यहाँ पैदा हूँ, क्यों यहाँ मरूं, क्यों पैदा हूँ, क्यों मरूं, क्यों यहाँ के दुख उठाऊं, अब आप वो सारा काम कर दीजिए, यानी यहाँ से निकाल दीजिए और घर पहुंचा दीजिए, तभी तो ये दुख क्लेश हटेगा। कि भूल भरम और करम हटा कर, भूल भरम और करम हटा कर, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। जिसको सच्चा मान के लगा था ये झूठ था, समझ में आया झूठ निकला, ये हमारी भूल भरम अज्ञानता थी, अब कृपा दया करके हे मालिक इस भूल भरम अज्ञानता से दूर कर दीजिए, इनको कितनी बात। और ये जड़ को जो अपना मान बैठे थे, इस जड़ की ममता से गांठ खुला दीजिए, जो इसने जड़ चेतन की गांठ लगा दी है, इस गांठ को आप खोल दीजिए तो जड़ जड़ की तरफ रह जाए और चेतन निकल जाए, इस यही गांठ लगाकर तो इसने फंसाया है। अब आगे क्या कह रहे हो, शेष कमल दल ज्योति लखा कर, 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 मुझे घंटा साध सुना दो गुरु, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे
मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब यहाँ से उठा कर जो उधर जहां से चलने की शुरुआत है का वो सहस्त्र कमर, वहां ज्योति निरंजन का वहां पहुंचा दीजिए, वहां की जो आवाज है घंटा संख्या वो सुना दीजिए। तो इधर से सब खत्म हो जाए। जब कोई चीज गंभीर स्वर होता तो ये छोटा मोटा स्वर समाप्त सा दिखाई देता है कि यहाँ जो फंसा हूं नकली में, अब ऐसा कृपा कर दीजिए उधर की तरफ चलाकर जो पहला स्थान है सहस्त्र कमल का, ज्योति निरंजन का वास है, कहा वहां की आवाज घंटा से वो सुना दीजिए। ये इसीलिए नामदान के वक्त में बताया जाता है कि अगर कहीं सूरज जाग गई उधर की चलक तर चल पड़ी तो कहीं तुमको शंका न हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहा पहला स्थान यह है उसकी आवाज है, दूसरा स्थान ये उसकी आवाज है, तीसरा स्थान उसकी आवाज और स्थान ये है, ये चीज चौथे का ये पहुंचा। ऐसे पांचों मंजिलों का ज्ञान पहले ही करा दिया गया कि अगर जरूरत जाग जाए, दया कृपा सदगुरु की हो जाए और उधर कहीं चल पड़े तो कहीं भ्रमित न हो जाए सब देखकर, क्योंकि इधर तो ये कुछ देखा नहीं कभी और वो अनोखा है। जब अनोखी चीज कोई देखने को मिलती तो बड़ा आश्चर्य होता है। आगे क्या है कि बांके नाल है त्रिकुटी गढ़ है पर, बांके नाल है त्रिकुटी गढ़ पर, मुझे गुरु का रूप लखा दो गुरु, मुझे गुरु का रूप लखा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। एक एक स्थान की मांग कर रही है कि हर स्थान का भेद दे दीजिए, जानकारी मिल जाएगी तो आप समझ जाएंगे मैं सही रास्ते से जा रही हूँ। ये चिन्ह है निशान, कहते कि बंग कनाल वो त्रिकुटीगढ़ पर, बड़ा टेढ़ा मेला रास्ता है, बंकलाल माने टेढ़ा रास्ता है। वो टेढ़े रास्ते से हम तो नहीं निकल सकते, आप ही निकालोगे, और मुझे त्रिकुटीगढ़ पर वहां पहुंचा दीजिए, जहां से जहां जीवात्मा बैठी है, बस मन कह रहा वहां पहुंचा दीजिए, हम दोनों मिलकर फिर अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे, क्योंकि दोनों हमें एक साथ आए थे। आगे क्या है, मुझे जब वहां पहुंचेंगे तो गुरु का चेतन रूप दिखे, ये शरीर वाला रूप उधर वो चेतन शुद्ध रूप है, अगर शरीर वाला ना होता तो चेतन कौन बताता। कहा ये भी अच्छा है, ये भी रूप लगे मुझे प्यारा, अब इससे जीव जगाओ और उसे घर पहुंचाओ। तो ठीक है, हम सब सो रहे थे, फंसे पड़े रहे, आपने यानी आवाज लगाकर जगा दिया और फंसना भी बता दिया और निकलने का रास्ता भी दे दिया, अब ऐसा करिए त्रिकुटी धाम पहुंचा दीजिए। आगे क्या है कि सुन शिखर का भेद जगा कर, सुन शिखर का भेद जगा कर, सुन शिखर का भेद जना कर, सुन शिखर का भेद जना कर, मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते इसके आगे जो सुन शिखर है वो भी भेद आप जना दीजिए, जानकारी दे दीजिए और मुझे मान सरोवर में अब ऐसा स्नान करा दीजिए, सारी मल गंदगी यहाँ की उतर जाए, बस वहां से पाक साफ निर्मल पवित्र होकर के अब घर को जाएंगे। आगे क्या कह रहे कि महासून है भंवर गुफा में, महासून है भंवर गुफा में, मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, मुझे बंसी की तान सुना
चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे वो महासुन्न मैदान है, वहां पर पहुंचा करके भंवर गुफा दिखा दी। भंवर बहुत तेजी से भंवर गुफा है का वहां पहुंचा दीजिए, तो मैं ये समझ जाऊंगी अब हम सच्चे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हो। आगे देखिए क्या, और वहां की जो सच्ची आवाज है भंवर गुफा की, कहते हैं वो मतलब यानी सुना दीजिए मुझे, बंसी की आवाज, वो बंसी की आवाज है, जब सुनोगे तो समझ जाओगी आप यह स्थान पर आ गए। तो धीरे धीरे भ्रम मतलब खत्म हो जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा। आगे क्या है कि सात लोक सतनाम निरख कर, सात लोक सतनाम निरख कर, सात लोक सतनाम निरख कर, मुझे बीन की ध्वनि दर्शा दो गुरु, मुझे बीन की ध्वनि दर्शा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे असली स्थान है सतलोक सचखंड, वहां की जो मतलब यानी वहां सतराम पुरुष बैठे हुए उनका दर्शन करा दीजिए, जब दर्शन हो जाएगा तब मैं समझ लूंगी बस आ गए। आगे अपनी जगह पर देखिए, और वो वहां की जो आवाज है बीन बांसुरी उसको आप सुना दीजिए, तो पक्का विश्वास हो जाए सुनकर के कि ये आवाज तो पांचवें स्थान की, अब मैं पांचवें स्थान पर आ गई हूँ अपने असली जगह पर, अब यहां से अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि आगे अलख है अगम है अनाम है, अनामी धाम ही हम सुर सब सुरतों जीवात्माओं का असली घर मुकाम मंडल लोक है। क्या है कि अलख है अगम का रूप दिखा कर, 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 मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते सतलोक से आगे अलग लोग अगम लोग हैं, मतलब आप वो भी रूप दिखा दीजिए, और फिर वहीं से जहां मेरा सच्चा सतगुरु बैठा यहाँ भी आए और वहां भी ले जाएंगे, तो जब यहाँ आएंगे तो विश्वास हो जाएगा, वहां मिल जाएंगे तो पक्का विश्वास हो कि अपनी घर आ गया हूं। देखो दोनों विश्वास होगा, सतगुरु से यहाँ का विश्वास होगा और वहां अपने घर का विश्वास होगा। कहते कि मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, अब ऐसी दया कृपा कर दीजिए, आपने मानव चोला धारण किया है हम सब जीवात्मा और लोगों को जगाने के लिए, तो ये तो आपने जगा दिया इस रूप से, इस रूप से जीव जगाओ और उस रूप से घर पहुंचाओ, तो ये दोनों काम इधर भी काम उधर भी काम। अगर ये जिस्म रूप आपने धारण किया होता तो हम सब जीवात्माएं जगती ही नहीं, हमारी यह सबकी जीवात्मा के लिए आपने ये मानव चोला धारण किया, क्योंकि हमारी सबकी जीवात्मा अब की बार मनुष्य शरीर में बैठी, तो मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के उद्धार करने के लिए सतगुरु दयाल ने ये मानव शरीर धारण किया और वादा किया जब तक हम इन जीवात्माओं को इस मानव शरीर से निकाल कर इनको इनके घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक मैं मानव चोले को छोड़ने वाला नहीं, फिर ये शंका कैसे होगी, चले गए चले गए चले गए।
अभी तो कोई वादे की शुरुआत भी नहीं हुई और लोगों ने उनकी जाने की शुरुआत कर दी। अब बेचारे ये भी नहीं समझ पाए कि अभी कोई काम हुआ नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं, ना जो देने आया वो भी मिला नहीं और जो ले जाने आया वो भी मतलब यानी समझ नहीं पाए और सब धोखे धोखा हो गए, क्योंकि हमने अपने बचनों को नहीं सुना था। अगर सत्संग बचनों को सुना होता और सत्संग बचनों को पकड़ा होता, अपने जीवन का मूल आधार बचनों को बनाकर चला होता, तो कोई फंसाने वाले आप पहले ही नहीं हुए था कि उधर सच्चाई इधर झूठ है। जब सच्चाई मिल जाएगी तो झूठ तो अपने आप छूट जाएगा, झूठ वहां टिक नहीं सकता। तो ये सब आधार है सदगुरु, बिना सदगुरु के कोई काम नहीं और सदगुरु यहां कोई बन नहीं सकता। वैसे तमाम लोग बन रहे हैं, बाबा जी ने 1980 में जो पुराने नामदारी होंगे वो सुन लेंगे, 1980 में ये आवाज लगाई थी, कहा कि बहुत से लोग ऐसे आ जाएंगे तमाम अपने नाम के आगे, कोई संत लिखेगा, कोई सदगुरु लिखेगा, कोई भगवान लिखेगा, कोई सरकार लिखेगा, कोई महाराज लिखेगा। कहा ये सब झूठ है, ये लिखावट बनावट सजावट का विषय नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये डिग्रियां नहीं देती। ये है मनमुखी लोग, लोभी लालची स्वार्थी, मान सम्मान के भूखे, जिन्होंने इतनी बड़ी डिग्री अपने नाम के आगे लिख दी है और बेचारे जानते कुछ नहीं, यहाँ का कुछ नहीं जानते और डिग्री वहां की लिख दी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है। वो बेचारे इसी लिखावट को देख के फंस गए, अब इनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। कहा कि बिना सत्तों कहा कि अरे भाई समय से आएंगे और समय तक रहेंगे और काम करके ही जाएंगे। इतनी मजबूत जब हमारी आपकी पकड़ हो जाएगी, आस्था विश्वास हो जाएगा, फिर आपको भूल भरम में कौन डाल सकता। ये खास सत्संग है जो नैमिषारण्य की तपोभूमि पर भी हो रहा। अभी मैं बाहर निकला था, यह सत्संग वहां नहीं है, ये वहां नहीं है, वहां तो दुनियावी और मतलब हम कैसे फंसे हैं, कैसे निकलेंगे उसकी एक जानकारी देने के लिए मैं निकला था। वैसे मैंने 8 वर्ष संदेश दिया है, ये लीला के बाद तुरंत यानी संदेश प्रसारित करना मैंने शुरू कर दिया और घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में एक बड़ा सा राष्ट्रीय मंच लगाकर और सबको जानकारी थी, कोई बाकी नहीं रखा। और सदगुरु दाता दयालु की जानकारी, कोई अपनी जानकारी, कोई अपने मान सम्मान अधिकार की जानकारी, कोई जापनी जात बिरादरी अपने नाम का कोई प्रचार नहीं किया मैंने, ये काम मेरा नहीं। जिसके काम के लिए आदेश हुकुम मिला है पहले से, वही पहले भी करता मैं आज भी करता, मेरा कोई नया काम नहीं, सब जानते हैं। पहले भी मैंने प्रचार शुरू किया तब भी कोई नहीं कहता था, और आज ये लीला हुई तब भी सब चुप हो गए, कोई नहीं कह रहा कुछ, खुल करके मैदान में कोई उतरा नहीं है, क्योंकि लोगों को डर हो गया। अरे भाई डर किस बात की, क्या सच्चाई कहने में डर अगर होगा तो सच्चाई भी रहेगी कैसे, और सत्य कभी पराजित होता नहीं, तो क्या सत्य कहने वाला बताने वाला पराजित हो जाएगा, उसे कौन पराजित कर सकता। और 8 वर्ष मैंने मंच लगाकर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर और सबको ये संदेश दिया, सबको गुरुवाणी से अवगत कराया कि सदगुरु दाता दयालु कि ये शब्द है, ये वचन है, ये वादे उनके, ये संकल्प और प्रतिज्ञा परिवर्तन की है। अभी तो परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई, तुमने परिवर्तनकारी शक्ति को जाने की शुरुआत कर दी, ये कौन सा सत्य है। तो ये सब बताने के लिए कितना समय दिया गया और आज भी वही हो रहा। अभी मैं निकला था आपके गणतंत्र दिवस यानी राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र के हित में संदेश देने के लिए, मैं देवरिया की पावन भूमि पर पहुंचा, इतनी अपार भीड़ हुई कि लोग देख करके हैरत में रह गए, ये क्यों, जहां लोग 100 आदमी इकट्ठे होने में बड़ा उनको शंका चिंता हो रही कहीं बीमारी ना आ जाए, कि बीमारी ना आ जाए, यहां तो लाखों लोग इकट्ठे हो गए,
और सब एक दूसरे में मिलके बैठे हुए हैं। अरे हमने कहा अगर मिलना जुलना नहीं किया जाएगा, तुम तो ये नफरत पैदा कर रहे हो, दूरियां बढ़ा रहे हो, अलग रहो अलग रहो अलग रहो। जब सब अलग हो जाएंगे तब तो यानी शक्ति छीन हो जाएगी। अगर परिवार में सब अलग हो जाए, परिवार की शक्ति कमजोर हो जाएगी। समाज के सब लोग अलग हो जाए, समाज की शक्ति खत्म हो जाएगी। कोई संस्था है, संघ है, कोई समिति है, अगर संगठन खत्म हो जाए तो फिर बचेगा क्या। लेकिन यहाँ सब दूरी बढ़ाई गई, वैसे भी दूरी बढ़ गई। कोई किसी को नहीं चाहता है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है, कोई दूसरे को सही सच्चे रास्ते न दिखाना चाहता है, न चलना चाहता, न चलाना चाहता। तो कहते फिर ये सच्चाई का रास्ते खत्म हो जाएगा। फिर सदगुरु के आने का मतलब क्या हुआ? और ये वादा और वचन कहने का और हिंदुस्तान में प्रचार कराने का फिर मतलब क्या हुआ? सब झूठे हो गया। तो ये चीज समझनी चाहिए। तो अभी संत कबीर नगर में एक कार्यक्रम, कबीर साहब की जन्मस्थली उस जिले में कार्यक्रम, बड़ी अब तो देखने को मिलता है कि संसार के लोग बहुत जाग रहे हैं, क्योंकि अब परेशानी में सब बंध गए और परेशानी का निवारण समाधान विकल्प कोई बताता नहीं है। इसलिए प्रेमियों जागरूकता बहुत दिखाई, बहुत नए चेहरे वहां आए। तो उन सबसे मिलने में चार चार पांच पांच घंटे लग जाते थे, क्योंकि सबकी इच्छा थी भाई। यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने यही प्रचार किया कि बाबा जी चले गए, शरीर छोड़ कर गए, शरीर में कभी नहीं आए, ये कैसा आदमी आ गया जो जिंदगी बात कर रहा। और ठोस प्रमाण दिया, मैं तारीख है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, क्योंकि हमको कोई स्वार्थ की स्वार्थी भाव नहीं पड़ा है। परमार्थ का भाव है, परमार्थ जगे और सब परमार्थी नगर पर चले, अपना परमार्थी काम कर ले, यही तो इच्छा है। इसी को करने के लिए कितनी बाधाएं इसमें पड़ी, क्योंकि सच्चे अच्छे काम के लिए निकलो तो बहुत बाधा है। गोस्वामी महाराज लिखा है, यही सरावत अति कठिनाई, इस मार्ग में चलने में बड़ी बाधा है, लोग टिकने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प सच्चा है, तुम्हारा विश्वास अपने सदगुरु पर सच्चा है, तो तुम्हें सच्चाई से कोई हटा नहीं सकता। जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और जितने झंडे आप देख रहे हो उनको झुकने का समय आ गया। झंडों से कोई काम नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, जिससे लाखों कितने कितने भूत प्रेत चले गए, कितनी बीमारियां परेशानियां दूर हो गई, और जितने ये लोग काले पीले नीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, एक झंडा गाड़ कर किसी एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, या एक बीमारी कर खत्म कर परेशानी करके दिखा दे। नहीं तो सत्य तो सत्य है। मैंने कहा कि नहीं तो इस जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा है, इसके नीचे एक दिन सारा विश्व झुकेगा, क्योंकि विश्व भी तबाह है और अभी कुछ नहीं, जो आगे और बीमारी फैलने वाली। अगर तुमने कुदरत के इशारे को न समझा तो कुदरत के पास ऐसी जानलेवा बीमारियां तैयार कि मिनट पल घड़ी नहीं लगेंगे, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर समाप्त हो जाएंगे। और आपने देखा एक छोटा सा नजारा, वो तो इन लोगों ने पूरा बताया कहाँ है कि पिछले पाश्चात्य देशों देश जो बड़ी जनशक्ति वाली थी, अपनी आप को शक्तिमान कहते थे, एकदम नस्तनामूद हो गए, कुछ नहीं बचा। उस प्रकृति की रुष्टता नाराजगी के आगे ये कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए बाबा जी ने पहले इशारा किया था, अरे भाई कोई काम ऐसा मत करो जो कुदरत नाराज हो जाए। अगर कुदरत नाराज हो गई तो फिर यहाँ बचेगा कुछ नहीं, कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि कुदरत को मनाना किसी इंसान की बस की बात नहीं है। कोई धर्मान बलवान बुद्धिमान कुदरत को खुश नहीं कर सकता, वो तो संत महात्मा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध कुदरत से होता है, और तुम उनको जानते माने पहचानते नहीं। अपनी इस
यानी सांसारिक भौतिक के बुद्धि के कारण आप उनको पहचान ही नहीं पाते कि जो आप आध्यात्मिक शक्ति का भंडार लेके आए और कितने समय से पहले आवाज लगाई 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आवाज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दी। क्या उस आवाज को लोगों ने सुना नहीं था? अगर सुने होते और चेत जाते तो ये परेशानियां, ये घटनाएं, ये महामारी ये हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर कभी नहीं आ सकती थी। लेकिन लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे ये तो परेशानी पहले भी युगों में आई जब लोग धर्म को भूल गए, मानवता इंसानियत को भूल गए, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गए, इनके मन मस्तिष्क से माँ बहन बेटी बहू की पहचान चली गई। तब इतिहास बताता है कोई न कोई आया। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, अधम असुर और अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म मनु शरीरा हरे कृपानी सज्जन पीरा। कोई ना कोई मानव शरीर धारण करके उधर से इधर आएगा संभालने के लिए, ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए। तो ये तो पहला भी पहले के इतिहास उठा लो। क्या धर्म कुछ, क्या अभी अधर्म कम है? क्या पाप अभी कम है? क्या हिंसाएं अभी कम है? क्या महंगाई गरीबी कम? क्या टैक्सों की भरमार कम? तुम्हारी तो कमर टूट जाएगी, इतने टैक्स लगा दिए जाएंगे, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी दिन में तारे नजर आएंगे। तो माहौल बन गया है, अब इसे कोई ठीक नहीं करता। तो पहले ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले ही कहा था कि मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। ये वचन को क्यों नहीं आपने सुना कि मेरा काम कोई कर नहीं सकता? ठीक है, तुम कहते हो कर लेंगे तो कर लो, करके देख लो, तुम्हारे बस का नहीं तो हट जाओ, हट जाओ, इसे गर्त में मत जाने दो। लेकिन मानेंगे कैसे? क्यों? विनाश का ले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, जब रावण जैसा बलवान बुद्धिमान नहीं समझ पाया, समय की आवाज नहीं सुन पाया, समय के जगाए राम नाम पर विश्वास नहीं कर पाया, जो राम नाम लेके शक्ति आई उनको भी राम ही कहा गया, उनको भी ऊपर विश्वास नहीं कर पाया, कितना भारी नुकसान हो गया कि सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। 70 भूत 72 नाती तारावण कर दिया, नाती कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। यह है न मानने वाले का इतिहास, ये है। और मानने वाले का इतिहास, जिसको लात मार के घर से निकाला था वही विभीषण राजा बना, राजा वही बना जिसको निष्कासित किया गया, मतलब अपमानित किया गया, यानी सब तरह से। इनको मालूम नहीं है कि भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का, सच्चे ईमानदार चरित्रमानों का जब अपमान होगा तो कुदरत कोई ना कोई सजा जरूर देती। ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, जो जो कहा गया सब सामने आ गया। अगर पहले सब चेत जाते जाग जाते तो फिर ये स्थिति नहीं आती जो आज है। ऐसा खराब दुर्दिन समय कभी नहीं आया, न अंग्रेजों के राज में, न मुसलमानों के राज में, जितना 70 साल की आजादी और अपने लोगों ने किया। भाई पहले विदेशी थे, अब तो सब स्वदेशी, कोई विदेशी नहीं, फिर ये क्यों हो रहा? आपने विदेशियों को निकालने के लिए चलो आपने खून खराबा किया, लेकिन अब तो सब स्वदेशी अपने ही है, फिर ये खून खराबा किसके लिए हो रहा? अब कौन सी इच्छा, किसको निकालने भगाने की इच्छा है जो ये सब काम हो रहा? विचार तो करना ही पड़ेगा, अगर अभी कर लो तो आगे होने वालों से कुछ बचाव हो जाएगा, कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन वही बात, जब जैसी हो तपिता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, ये लिखा भी तो झूठा हो जाएगा। संत गोस्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस के उत्तरकांड में सारे प्रश्नों का उत्तर, सारी समस्याओं का समाधान बता दिया, और 550 वर्ष से सुनाई जा रही, अभी तो लोगों की समझ में नहीं आई। जब तुमने
पहले का जाना नहीं और वर्तमान में महापुरुष को पहचाना नहीं तो नुकसान नहीं, क्या लाभ मिलेगा आपको? वो तो लाभ तुम्हारे से बहुत दूर चला गया, वो सुख शांति बहुत दूर खड़ी होगी। अब ये इसका आना और मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन महापुरुष तो अभी कहते भाई मान लो मान लो मान लो तो अभी काम हो जाएगा। ये बीमारी जो इन्होंने प्रचार की है, ये बीमारी कैसे आई, कहां से आई? कहते मांसाहारी मुल्क से आई थी। जब मांसाहारी मुल्क से बीमारी आई है तो हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों को सोचना चाहिए हमें इस बीमारी से बचने के लिए अपने देश में मांसाहार तुरंत बंद करा देना चाहिए, तुरंत पाबंदी लगा देनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पाबंदी तो लगी, पाबंदी इतनी लगी है कि घर से निकलना मुश्किल तुम्हारा। पहले जेल में बंद किया जाता था, अब सब अपने अपने घरों में 3 महीने के लिए बंद, 3 महीने कैद तो सबको हो गई, सबको कैद, जेल खाना सबके घर बंद, मकान बंद, दुकान बंद, यातायात बंद, विद्यालय न्यायालय कार्यालय सब बंद। ये क्या है, इससे कौन सा लाभ मिला? ये 3 महीनों में देश को 200 वर्ष पीछे ढकेल दिया। तो अब तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वो संतवाणी कब होगी, हुई है संत राज भारत माँ, अब मिठाई मटी है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। तो होना ही है, ये तो होगा ही, इसे कौन रोक लेगा। लेकिन मौका सबको दिया बाबा जी ने, पहले कहा भाई हम अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो, हमने तो सबको मौका दे दिया। बाद में मत कहना कि हमको किसी ने बाबा जी ने मौका नहीं दिया, मैंने तो व्यवस्था बना रखी सुख शांति की। और आज नहीं 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में इस दूरदर्शी व्यवस्था का मैंने सूत्रपात कर दिया था और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल जिले, जो हरियाणा प्रांत का करनाल जिला है, वहाँ कालीदार रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को राष्ट्रीय अधिवेशन करके दूरदर्शी को कहा मैंने, यानी आशीर्वाद दे दिया और ये फले फूलेगी। और कहा था कि इसका महाप्रसाद तुम सब लोग हिंदुस्तान के जितने विभाग हैं सब विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुँचा दो। और आपने पहुँचाया नहीं और आप ही कह रहे हो मर के चले गए, तो ये प्रसाद का मतलब क्या हो? प्रसाद का मतलब को निकला भी, दूरदर्शी का मतलब को निकला, भून ज्योतक का मतलब कोई निकला, जय गुरुदेव धर्म प्रचार का कोई मतलब निकला, यानी सब झूठ। ये 3 व्यवस्थाएं जो बताई गई थी, 3 साधन बनाए गए हैं, जय गुरुदेव धर्म प्रचार एक संस्था मथुरा भारत यानी पूरे भारत के लिए, और दूसरा है दूरदर्शी, और तीसरा भूम ज्योतक संगठन। ये बाबा जी ने भूम ज्योतक काश्तकार खेतियर ये संगठन बनाया था, भूम ज्योतक खेतियर काश्तकार संगठन की स्थापना की थी। कहाँ? 10-11-12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा तहसील केसरगंज जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी। और आखिरी दिन कहा बाबा जी ने कि अरे भूम ज्योत को अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया, ये तुम्हारा झंडा है, तुम दूसरों के झंडे के नीचे मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों कह रहे हो? वहां तुमको शांति नहीं हो, तो दूसरों का झंडा तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा झंडा है भूम ज्योतक खेती संगठन। और तुमने महात्माओं की बात नहीं समझ पाई, उनका इशारा नहीं समझ पाया, और कहा था अगर भूम ज्योत को तुम विश्वास के साथ अपने झंडे को पकड़ लो तो हिंदुस्तान में जितने काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए को घूम रहे ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूम ज्योतक खेती काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की थी, हमने आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी बुला दिया और अपने गुरु को ही बदनाम कर रहे हैं कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके धोखेबाजी करके चले गए। ये कितना बड़ा अपराध है, इस अपराध की कितनी बड़ी सजा है, ये तो लोगों को मालूम नहीं, अभी ये तो मालूम नहीं। जब मैं निकला तब तो हमें तो कोई नहीं मिला,
ये 45 करोड़ 1300 कहाँ चले गए? इतनी बड़ी संख्या जिनकी हो और वो चुप बैठ जाए, बड़े आश्चर्य की बात है। और वो भी अपने गुरु की सच्चाई के लिए बैठ के चुप है। भाई अगर कोई तुम्हारे बाप को कह दे कि मर गया मुर्दा मुर्दा, क्या तुम अच्छा समझोगे? राजनीति में किसी का अपमान करना होता है तो मुर्दाबाद कहा जाता है, और बड़ा अपमान करना होता किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला देते, तुमने सदगुरु का दोनों तरफ से अपमान किया है और मुर्दा भी कहा है और पुतला बनाकर तुमने यह सब अपमान किया है, इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कब जागोगे, कब चेतोगे, तुम्हारे में कब होश आएगा, अपने गुरु के मान सम्मान के लिए तुम घर से कब निकलोगे? मैंने 8 बरस आवाज लगाई उसी की, निकलो निकलो निकलो, लेकिन कोई निकल के आया नहीं। सुनने तो आए लेकिन साथ किसी ने नहीं दिया, आज भी नहीं कोई साथ दिया, आज भी कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। राम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े। अरे कम से कम ये देखो ये कहा क्या जा रहा। मैं कोई अपने लिए कह रहा हूँ, अपने मान सम्मान के लिए कि अपना कोई गुरु सदगुरु बनने के लिए कह रहा हूँ, कम से कम ये तो आपको सुनना चाहिए। नहीं सुनोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बात में ये नहीं कह सकते हो किसी ने बताया नहीं। यही बाबा जी ने इशारा किया था कि ये राजनीतिक लोग अगर तुमको भारत की जनता ने चंदा नोट वोट ये सब दिया और महंगाई विचारों ने उठाई और टैक्सों की भरमार भी झेल रहे हैं, कम से कम इतना करने के बाद उनको सुख शांति नया सुरक्षा रोजी रोटी तो दे दो, ये कहा गया था। इसमें कौन सा अपमान किसी का, कौन सा किसी की निंदा की बात थी, काम की बात थी? अगर तुमने ये सब वादा किया है और ये सब चंदा और नोट वोट और महंगाई गरीबी ये सब भारत की जनता से लिया और उनको ये दिया, तो कम से कम इनके लिए कुछ तो आप सोचो। कुछ नहीं, और उसे और खराब होता चला जा। गोस्वामी जी महाराज ने पहले लिख दिया था 550 वर्ष पहले रामचरितमानस की रचना, और सब लिख दिया कि आगे कैसा राज होगा, वो राजा कैसे कैसे काम करेगा, फिर उसकी सजा क्या है, वो सब उन्होंने लिख दिया कि राजनीति चलाएगा कौन, क्योंकि ये भगवान राम की धार्मिक भूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है और संत महात्माओं की योग भूमि है, ये ऐसी जमीन है, इस पर राजनीति कौन करेगा, कौन सफल कर पाएगा, भारत की जनता को नया सुरक्षा रोजी रोटी कौन दे पाएगा, ये सब पहले लिख दिया कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा, राजनीति बिना धार्मिक धन गाड़ी कमाई के नहीं चलाई जा सकती। लोगों कितनी बड़ी बात, ये चलाई नहीं जा सकती। और जो प्रभु के समर्पित हो जाएगा और सेवा भाव रख करके एक पुत्र के समान पुत्रवत प्रजा को मानेगा और पालन करेगा, उसका राज चलेगा, उसका नाम हो जाएगा। तो उसी को पढ़ लो आप, उसी को पढ़ के आप मान लो कि ये लिखा क्यों गया, और लिखा है तो हमारे पर लागू नहीं हो रहा, लिया जा ये लाभ हमको नहीं मिल सकेगा। और हानि उन्होंने लिख दी, हान भी बताई कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी स्वर्ण पवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। बिल्कुल साफ साफ लिखा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रामचरितमानस के जो संत के शब्द उनको, ये संत वाणी है, ये कभी मिथ्या नहीं होती, ये सब जानकारी तुम्हारे घर में रखी, उसी को पढ़ लेते तो बाबा जी की बात समझ में आपके बहुत जल्दी आ जाती, क्योंकि पहले से रास्ता था वो भी आपने बुला दिया। समझ में कुछ नहीं आया, धीरे 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 व्यवस्था। और ये भी कहा कि कलयुग में किनका किनका राज्य होगा, देखो कितने पहले घोषणा की कि बहुमत तियमत बालमत बिन नरेश का राज, कि ऐसे होंगे जिनको पूर्ण बहुमत देगी प्रजा, अपना राजा बनाएगी, ऐसा भी होगा, यानी स्त्री का भी राज होगा, तियमत स्त्री का राज होगा। ये सब हुआ जो पहले कहा गया, ये सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज है, आप समझ नहीं पा रहे,
बाल मत, इसके बाद लड़के का राज हुआ, वो भी आपने देखा। और फिर नरेश का राज, कि बिना राजा का राज जो आज है, सरकार ने अपना कोई काम नहीं रखा, सब प्राइवेट कर दिया। जब सरकारी काम नहीं तो सरकार ना है, सरकारी काम की वजह से तो सरकार बन जाती थी। जब सब खत्म हो गया तो सरकारी खत्म हो गई, यानी बिन नरेश का राज। तो कहा उसके राज में सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। तुम सुख और शांति भूल जाओ, तुम अपनी जान को बचा लो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। और यह सब हो रहा, यह है गोस्वामी जी महाराज की अखंड वाणी है, अमर वाणी है, शब्दवाणी है, जो 550 वर्ष पहले रामचरितमानस के माध्यम से यह सबको सुनाया गया, बताया गया, और वो सब तुम्हारे सामने आ गया। अब यह सब सामने हो रहा है। और इसे कहा कोई मिटा भी, तुम मिटा भी नहीं पाए, जो उन्होंने पहले कहा उसको तुम मिटा भी नहीं पाए हो, और जो वर्तमान में कह रहे इसको तुम हटा नहीं पाओगे, यही लागू होगा। और जब तक ये नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहा था राजनीतिक लोग जब अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे रा ये नया सुरक्षा देना मेरे बस की बात नहीं, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाना मेरे बस की बात नहीं है, और ये धार्मिक धरा पर ये जीवों की हिंसा, ये मार काट करवाना, उनका यानी पशु पक्षियों का मुर्दा मांस इंसान को खिलाना, और बुद्धि नशा ये पिलाना जिससे बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाती है। कहा ये सब जब कहेंगे मेरे बस का नहीं है, तब बाबा जी ने कहा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। भारत की जनता जब रो पड़ेगी, कहेगी कहीं कोई बचने का आधार अब नहीं रहा, कोई रास्ता सुख शांति का नहीं बचा है, कहा बच्चा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और ये सब कह रहे हैं बाबा जी मर के चले गए, तो ये ब्रह्मास्त्र कौन उठाएगा, ये कौन चलाएगा, ब्रह्मास्त्र का ये लाभ कौन दे पाएगा। अरे बच्चों को समझिए आप, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सत्य क्या और झूठ क्या है। ये सब, और वो भी अनोखी बात कि जैसे ये आपकी राइफल है, इसकी नाल से जब गोली निकल जाती तब परिणाम बाद में आता। क्या गोली का परिणाम पहले कोई बता सकता, परिणाम बाद में आता, जब गोली निकल गई परिणाम आया कि भाई बच गया है कि मर गया घायल हो गया, परिणाम तो बाद में आता है। लेकिन बाबा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र की महिमा पहले ही बता दिया, ना ब्रह्मास्त्र उठा न चला, और परिणाम पहले बता दिया। यह सर्वशक्ति मान की पहचान है कि परिणाम पहले ही बता रहे कि दूरदर्शी आएगी धरा पर, सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत स्वमन मीघा देंगे केत, दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। देखिए कितनी बड़ी महिमा है, ये संत महापुरुष की भूमिका व्यवस्था परिवर्तन की, सबको सुख शांति देने की दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखता है, दूर तक समझता है, दूर तक सोचता है, सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की जिसके पास योजना भूमिका व्यवस्था है, उसको कहते दूरदर्शी। इसने कहा था बच्चा दूरदर्शी नहीं राजनीति, गुर तक जाने की एक नीति है। कहा राजभाग नीति कुछ नहीं, हाँ चार आने व्यवस्था यानी की बात करता हूं, और मतलब 12 आने अध्यात्म ही, 12 आने अध्यात्म आदि में, लेकिन उसको तो लोगों ने सब समझा नहीं। कहा बच्चा इसको चुपचाप रखो, इस ब्रह्मास्त्र को चुपचाप रख दीजिए, इसको भी इसका जिक्र मत कीजिए। तो जिक्र भी नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस समय के पहले फिर उनको बता दिया जाए, क्योंकि ये सब भूल गए, इतने लंबे समय में सब भूल गए। अब 1980 में 24 मार्च को स्थापना हुई, अब आप जोड़ लीजिए 40-41 वर्ष हो गए, 40 साल में लोग एक दूसरे की शक्ल भूल जाते, तो व्यवस्था भूल गए लोग, तो फिर से उसको उजागर किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि आगे ये व्यवस्था काम करे।
तुमने सारी व्यवस्थाएं देख ली, वो व्यवस्थाएं सब स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, अधिकार, पद पाने की थी। ये व्यवस्था है जनता जनार्दन के को सुख शांति देने की। कितना अंतर है आप इससे समझिए। आप पहले काश्तकारों, क्योंकि हमारा भारतीय देश कृषि प्रधान देश है, 90% काश्तकार तो रहते भूमि जोतक, जमीन जोतने वालों में बहुत लोग आते हैं। ये जो वाहन चलाते हैं इनको भी किराया प्रति किलोमीटर ही मिलता है, ये जमीनें भी जोत रहे हैं, कितने किलोमीटर जमीन चले तब को किराया भाड़ा मिलता है, ये भी भूमि जोतक है। अरे संत महापुरुषों का राज रहस्य बहुत बड़ा है कि भूमि जोतक है कौन कौन है। अरे फल की खेती करने वाले, सब्जी की, अनाज की खेती करने वाले, और तरह तरह की जो मतलब यानी सब्जियां उगा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये सब, और जितनी जड़ी बूटियां हैं ये सब जमीन से तो निकली है, सब भूमि जोतक ही है। उन सबके लिए ये संगठन बनाया गया था, भूमि जोतक खेतिया काश्तकार संगठन, कि इस भूमि जोत को जब तक तुम अपने संगठन को नहीं समझोगे तुम्हारी कोई कीमत नहीं करेगा। और आप देख रहे हो एक चाट बेचने वाला सबसे छोटा दुकानदार होता है, वो भी अपनी वस्तु की कीमत स्वयं खोलता है, और जो पत्ते में चाट देता पत्ते तक की कीमत लगा देता, कहते इतने रुपए में दोगे, लो तो लो नहीं जाओ, वो भी भाव खोलता है। लेकिन काश्तकार अपने वस्तु की कीमत स्वयं नहीं खोल सकता, ये कौन सा अधिकार है, कौन सा कानून है? उससे नहीं पूछा जाता तुम्हारा चावल धान कितने लागत में पैदा हुआ, तुम्हारा गेहूं और गन्ना ये सब कितने लागत में पैदा हुआ। जब तक उसके लागत नहीं पूछी जाएगी और लागत के अतिरिक्त उसे जब नहीं मिलेगा तो ये सुकून शांति कैसे मिलेगी, कैसे खुशहाल होगी। जबकि बड़े बड़े मिल फैक्ट्री वाले उनके पास सरकार की चिट्ठी जाती है, क्योंकि चुनाव वो लंबी रकम उनको देते हैं, उनके पास चिट्ठी जाती, भाई तुम्हारा कपड़ा है, तुम्हारा सामान बताओ, कपड़ा कितने मीटर कितनी कीमत में रखा जाए, तो वहाँ के लिख के बताए इतने कीमत में। वो भी सब अपना पूरा हर्जा खर्जा दुकान भुगान का सब, इजली बिजली का, आनी पानी, स्वागत सत्कार का सब, मतलब पूरा खर्चा बताता कि हमारा कपड़ा इतने रुपये मीटर बिकना चाहिए। लेकिन काश्त करो तुमसे कोई पूछता कभी तुम्हारा गेहूं किस भाव बिकना चाहिए, अरे भाई उससे पूछो जिसने लागत में पैदा किया है, उसे मालूम है कि भाई गेहूं को पैदा करने में कितनी लागत, कितना खर्चा आया, गन्ने को पैदा करने में कितना। कोई फसल है जब तक इससे नहीं पूछा जाएगा, इसको उचित मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक काश्तकारों को खुशहाल नहीं कर सकता। ये तो सब कितने पहले 87 में बता दिया था और काम समझे आप, अभी तक नहीं समझ, अब सब रोने लगे, और कहा था नहीं समझोगे तो तबाह हो जाओ, फिर तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, जबकि सबसे बड़ा संगठन है और कुछ नहीं। जैसे जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का सबसे बड़ा संगठन 45 करोड़ चेला, ये सब चले कहाँ गए, कहाँ गए? संगठन माने एक जगह, एक मुट्ठी में, एक डोरी में, एक स्थान में, एक भूमिका में, एक व्यवस्था में, संगठन तो ये कहते हैं। सब इकट्ठा उधर चला गए, कुधर कोई उधर भग गया, उतना राग अलापरा, कोई इधर राग अलापरा, अरे इनसे कुछ होने वाला नहीं, ये राग से कुछ नहीं, बैराग से काम होगा, राग और बैराग में बहुत अंतर है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं सुनोगे आप तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसकी महती आवश्यकता है। संत महापुरुषों की वचन वाणी को दोहराया जाए, उनके वचनों को सबके कान तक पहुंचाया जाए, सब जगेंगे, सब खड़े होंगे, सब काम करेंगे, तब देश खुशहाल हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव।